अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज उस्मा और आज हम आपके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस और मबनी एक ऐसी क्लास लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ये छोटे छोटे जुमले हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं ये, तो अगर आप ये सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है खुद ही देख लो। खुद ही देख लो को क्या कहेंगे? सी फॉर योरसेल्फ, सी फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट है कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, इसको क्या कहेंगे? नथिंग लास्ट्स फॉरएवर, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर। उसके बाद है कुछ भी रातों रात नहीं होता, कुछ भी रातों रात नहीं होता को क्या कहेंगे? नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नेक्स्ट है खुद को संभालो, खुद को संभालो, इसको क्या कहेंगे? पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर। उसके बाद है बस पीछे हट जाओ, बस पीछे हट जाओ, इसको क्या कहेंगे? जस्ट बैक अवे, जस्ट बैक अवे। नेक्स्ट है गलतियां हर किसी से होती हैं, गलतियां हर किसी से होती हैं तो कैसे कहेंगे? एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, Everyone makes mistakes. Next है बैठ जाओ, बैठ जाओ। वैसे तो हम इसको sit down भी कहते हैं normally, ठीक है, लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं grab a seat, grab a seat। वक्त हर जख्म भर देता है, इसको क्या कहेंगे? Time heals everything, time heals everything। Next है हमारे पास एक एक पल मायने रखता है, एक एक पल मायने रखता है को क्या कहेंगे? Every minutes counts, every minute counts। एक पत्ता चुनो, pick a card। पत्ता कौन सा? मतलब कोई भी जो कागज के जो होते हैं, pick a card। एक तारीख चुनो, pick a date। हर चीज में पैसे रखते हैं, everything costs money, everything costs costs money। आराम से काम लो, play it cool। मेरे बाद पढ़ो, read after me। मेरे बाद दोहराओ, repeat after me। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो को क्या कहेंगे? Don't be hasty, don't be hasty। Next है चलो जल्दबाजी नहीं करते, इसको क्या कहेंगे? Let's not be hasty, let's not be hasty। हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया, we had a hasty breakfast, we had a hasty breakfast। ये तुम्हें मजाक लग रहा है, इसको कहेंगे do you find it funny, do you find it funny। बस भी करो, बस भी करो को क्या कहेंगे? Stop it, stop it। बहुत हो गया, इसको कहेंगे enough is enough, enough is enough। कहाँ जाना है? Where to go, where to go। उसके बाद है थोड़ा वजन कम करो, lose some weight। मुझे भिजवाना वहां, सेंड मी देयर। पैसे मुझे देने दो, लेट मी पे। मुझे ऊपर खींचो को क्या कहेंगे? मुझे ऊपर खींचो, इसको कहेंगे पुल मी अप। नेक्स्ट है कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपन्स। आधा मुझे दो, गिव मी हाफ। वहां पर बैठ जाओ, वहां पर बैठ जाओ को क्या कहेंगे? Sit over there, sit over there। उसके बाद है देखो और सीखो, watch and learn। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो को क्या कहेंगे? Try to understand। नेक्स्ट है मुझे सोचने दो, let me think। मुझे बात करने दो, let me talk। कहीं और जाओ, go somewhere else।
मेरे सवाल का जवाब दो, आंसर माई क्वेश्चन. उसे साफ रखना, क्लीन, कीप इट क्लीन, कीप इट क्लीन. नेक्स्ट है, कारोबार फल फूल रहा है, बिजनेस इज फॉर्मिंग. देखो क्या हो गया, लुक व्हाट हैपेंड. यहाँ पर आओ, कम ओवर हियर. सबको अंदर ले आओ, गेट एवरीवन इनसाइड. सबने अच्छा किया, एवरीवन डिड वेल. कोई भी ट्राई कर सकता है, एनीबॉडी कैन ट्राई. हर किसी में कमियां हैं, एवरीवन हैज फॉल्ट्स. देयर आर अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस जो आप सीख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर. छोटे छोटे सेंटेंसेस हम ये इसलिए आपके लिए लेके आए थे कि आप सीखना शुरू करें. जब आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस इस तरह के बोलना शुरू करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो होपफुली आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगी एंड यू विल बिकम वन डे फ्लुएंट. सो बेटर कि आप बोलना शुरू करें और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. सो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और समझ में आया होगा. ये सेंटेंसेज आपके डेली लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके. तो जुड़े रहिए चैनल के साथ मज़ीद सीखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.